हाय, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का हम बेसिक देखने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इसको हम सबसे पहले हम समझने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम से, देन हम जाएंगे थ्योरी वाले पार्ट में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंटेन फॉलोइंग यूनिट। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ओवरऑल कौन कौन यूनिट को अपने अंदर कंसिडर करता है, ठीक है, कंटेन करता है। तो सबसे पहला है इनपुट यूनिट, देन उसके बाद है आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सीपीयू। ठीक है, तो इनको हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम से कि हाउ कंप्यूटर विल बी वर्क। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, कंप्यूटर को आपको भी पता है कि कंप्यूटर को कोई भी बात बतानी होती है या उससे कोई काम करवाना होता है तो हमें प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर को कोई भी चीज को करने के लिए। अब आप वो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, तो इनपुट यूनिट के थ्रू देंगे। मान लीजिए आपको कुछ लिख के बताना है, ठीक है, कोई प्रोग्राम लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, अपने कीबोर्ड से लिखेंगे। तो कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट यूनिट हुआ। ठीक है, आपने क्या किया कि अपने इनपुट यूनिट से आपने प्रोग्राम को दे दिया, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया। देन वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, वो जाएगा और स्टोर हो जाएगा आपका स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, अब दो टाइप के स्टोरेज यूनिट होती है, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है, कैच मेमोरी क्या होती है, तो चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, ये टॉपिक हमने पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज यूनिट होता है। तो जो भी आपने इनपुट यूनिट से जो भी चीजें आपने लिया, जो इंस्ट्रक्शन आपने लिया, उसको आपने कहाँ पे स्टोर कर दिया, स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे स्टोर किया, देन उसके बाद क्या होगा, वो आएगा सीपीयू के पास। ठीक है, वो डाटा कहाँ पे आएगा, सीपीयू के पास। अब सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, पहला होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब नीचे हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यहां से जो भी आपने इनपुट लिया वो यहां पे आया, सीपीयू में आया। तो आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये देखिए कि ये क्या कर रहा, ये कंट्रोल कर रहा। ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल कर रहा। जैसे ये इनपुट यूनिट है, इसको सिग्नल भेज कर कंट्रोल करेगा। ठीक है, आउटपुट यूनिट है, इसको सिग्नल भेज कर कंट्रोल करेगा। और जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको पहले ही हमने बता दिया, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना हुआ, डिवाइड करना हुआ, ठीक है, ये एडिशन करना हुआ, सब्सट्रैक्शन करना हुआ, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। लॉजिकल यूनिट भी आपको हमने बता दिया, इफ एल्स वाली कंडीशन इसमें आती है। तो ये क्या करेगा कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। और ये कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि सिग्नल भेज के जो भी यूनिट है, जो भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और यहाँ पे देखिए कि जो स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, इसको भी यही कंट्रोल कर रहा। जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसको भी यही कंट्रोल कर रहा। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है, और किसके थ्रू, सिग्नल भेज के। ठीक है, तो आपके ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। सीपीयू ने यहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट होगा वो फिर कहाँ पे चला जाएगा, आपके मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, जब आपके मेमोरी में फिर से रिजल्ट आ गया, देन उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट यूनिट के थ्रू वो रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोल देंगे, इंफॉर्मेशन बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आउटपुट यूनिट क्या हुआ, ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गया। तो इनका काम क्या है कि जो डाटा प्रोसेस हो गया, जो डाटा मेमोरी में है, उसको यूजर को शो कराना। ठीक है, तो वो कौन हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई। अब आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में अगर कंफ्यूजन है तो इसका भी वीडियो चैनल पे है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि प्रोग्राम एक टाइप का डाटा है, ठीक है, उसके ऊपर हमने कुछ प्रोसेसिंग किया, देन वो क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, अब डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अगर इसमें भी कंफ्यूजन है आपको तो जाके आप चैनल पे वीडियो देख लीजिए, इसका भी वीडियो पहले से बना हुआ है। आपको आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले कोई भी इनपुट लेता है, देन उसके बाद मेमोरी में स्टोर करता है, मेमोरी से वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर मेमोरी में उसका आउटपुट स्टोर होता है, और फिर हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू इसको हमें दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। एन इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड
कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट यूनिट का काम क्या है कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो आउटसाइड वर्ल्ड से लेता है, मतलब यूजर से लेता है हमसे, और उसको कौन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि उसे कंप्यूटर समझ पाए, क्योंकि जो हम डाटा देते हैं, ठीक है, उसे कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड का जो डाटा है उसको कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो उसको पहले ये कन्वर्ट करता है किसमें, ऐसे लैंग्वेज में जिसको कि कंप्यूटर इजिली समझ पाए। देन उसके बाद क्या होता है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन है उसको अब उसके बाद क्या होता है कि उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब सीपीयू के पास आ जाता है वो। ठीक है, तो अब आउटपुट यूनिट क्या होता है, एन आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाई द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है वो अपना आउटपुट जब जनरेट कर लेगा तो वो किसमें, वो बाइनरी नंबर में ही जनरेट करेगा। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में ही जनरेट करेगा, लेकिन यूजर तो उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है इतने अच्छे से, तो फिर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है किसमें, ऐसे फॉर्म में जिसको कि जो यूजर है वो इजीली समझ पाए। तो ये किसका काम होता है, आउटपुट यूनिट का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट का क्या काम है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, अपने अंदर रखता है ताकि उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर पाए, या जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं प्रोसेसिंग का उसको भी अपने अंदर स्टोर करता है, या जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको भी अपने अंदर स्टोर करता है, जब तक कि हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो उसको रिलीज ना कर दे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता दें कि अगर आपको ज्यादा जानना है स्टोरेज मीडिया क्या होता है, स्टोरेज मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है तो आप यही प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहां पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, टू टाइप ऑफ स्टोरेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, पहला हो गया प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा हो गया स्टोरेज। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट इनके देखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको सच बता रहा है डिटेल में जाननी है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैम क्या होता है। ठीक है, रैम का कुछ हम पॉइंट देखने वाले हैं, यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो प्रोग्राम चल रहा है कंप्यूटर के अंदर उस टाइप के प्रोग्राम को वो क्या करता है, रैम हमारा स्टोर करता है। यूज टू होल्ड डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये क्यों यूज होता है कि डाटा को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है, या इंटरमीडिएट रिजल्ट हुआ उनको भी रखने के लिए, या जो रिजल्ट आ गया प्रोसेसिंग का उसको स्टोर करने के लिए। फास्ट इन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में काफी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, मतलब वहां से डाटा एक्सेस करना काफी ज्यादा फास्ट होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन अगर आप इसे कैच मेमोरी के कंपेरिजन में देखेंगे तो ये स्लो होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कैच मेमोरी क्या होती है और ये सारी चीजें क्या होती है, तो आप जाके चैनल पे वीडियो देख लीजिए, कैच मेमोरी पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटी है वो स्मॉल होता है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये वोलेटाइल होती है, मतलब एक बार पावर गया तो आपका क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे। ठीक है, यूज टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, अगर पावर चला भी गया तो वो डाटा जो है हमारा वो लॉस नहीं होगा, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी से क्या है, स्लोअर है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये चीपर होता है प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से कम पैसे में ये मिल जाएगा। ठीक है, रिटेन डाटा इवन विदाउट पावर। ठीक है, तो पावर अगर चला भी जाता है फिर भी हमारा डाटा क्या होगा, लॉस नहीं होगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम जाते हैं, सीपीयू क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ये क्या होता है, ब्रेन होता है। अब मान लीजिए आपका दिमाग है। ठीक है, अपने दिमाग से ही हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, आपका दिमाग है, आपके दिमाग का दो काम है। ठीक है, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक मतलब मैंने बोला 2+2 कितना हुआ, आपका दिमाग
ने काम किया और बोला 4, ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशन मैंने बोला कि ठीक है अगर ये होगा तो ऐसा कर लेना, ये होगा तो ऐसा कर लेना, ठीक है, तो आपके दिमाग ने क्या किया कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेगा और ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, ठीक है। और आपका दिमाग का दूसरा काम क्या है कि मान लीजिए कोई भी चीज है बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, आपका हाथ गया उसे छूने, तो आपका दिमाग उसे कंट्रोल करता है कि नहीं इसको नहीं छूना है, इसको टच नहीं करना है, ये काफी ज्यादा गर्म है। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो सीपीयू है वो उसका ब्रेन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। सीपीयू कंसिस्ट टू सब यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में दो पार्ट है यहाँ पे, अर्थमेटिक और लॉजिक, ठीक है, तो अर्थमेटिक क्या हुआ कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब हुआ, ये अर्थमेटिक में आ गया। लॉजिकल में क्या हुआ, इफ एल्स वाली जो कंडीशन आती है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मत करना, ठीक है, तो वो किस में आ गया, लॉजिकल यूनिट में आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है कि जितने भी हार्डवेयर है उनको मैनेज करना, ठीक है, जो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करना काम है कंट्रोल यूनिट का। अब यहाँ पे देखिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा एक्चुअल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसका क्या काम है कि वो जो सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के हैं उनको सिग्नल भेज भेज के क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। अब जो हमारा सीपीयू है, अगर आप ब्लॉक डायग्राम से आप अपने एग्जाम में ये ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो आपको काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये ध्यान देना होता है कि आप ज्यादा थ्योरी लिखने से अच्छा है कि आप कुछ ब्लॉक डायग्राम बना दे या डायग्राम बना दे, जिससे कि जो हमारे प्रोफेसर हैं उनको समझ में आ जाए और वो आपको अच्छे नंबर दे दे। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिला देने के बाद हमारा क्या बन जाता है, सीपीयू बन जाता है, ठीक है। अ कंप्यूटर इज ए सिस्टम एज इट कंप्रोमाइज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्टेप कॉल्ड फॉर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है स्टेप बाई स्टेप परफॉर्म होता है वो ये सब मिल के करते हैं, ठीक है, हमारा इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट और सीपीयू ये सब मिल के करते हैं, और इनको जब आपस में हम जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो सबसे पहले इनपुट यूनिट के थ्रू हम देते हैं, देन उसके बाद स्टोरेज यूनिट में जाके वो स्टोर होता है, उसके बाद वो जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन उसका जो आउटपुट होता है वो फिर से स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाता है और फिर उसका आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो हो जाता है। तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, मतलब चीजों को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपने चीजों को अपने कंपोनेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ही तो है बेसिकली। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, इनपुट यूनिट कैसे काम करता है, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सीपीयू क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलना, वीडियो पे आप बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में ये काफी ज्यादा बेनिफिट करे। और आपको अगर एग्जाम भी नहीं देना है, आपको समझना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो बने रहिए हमारे साथ, और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम हर चीज कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।